हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में शान की मौसीकी तो आपको देखने को मिलेगी और काफी कमाल का माहौल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके बाद एक बड़ा डेंजरस माहौल भी आपके लिए तैयार है, क्योंकि जिस सिचुएशन से बचने के लिए यहाँ पर ठक्कर और भोसले परिवार स्ट्रगल कर रहे हैं ना, कि कैसे भी कर ये सच बाहर नहीं जाना चाहिए कि आखिरकार रजत शादी किससे कर रहा है। अब देखो, एक तरफ वो चाहते हैं कि यह सच किसी के सामने ना आए और दूसरी ओर पूरी सोसाइटी में इन्होंने ढिंढोरा पीट कर रखा है। लोगों को बुलाया जा रहा है, मेहमानों को बुलाया जा रहा है कि यहां पर पूरी तरीके से जो है उनकी शादी हो रही है। अब ऐसे में भला सच कितने ही देर तक चुपेगा, जब ढोल नगाड़े बजेंगे तो शोर तो होगा ही होगा। अब यही यहाँ पर खतरे की घंटी बजने वाली है आने वाले एपिसोड में रजत और सभी के ऊपर, क्योंकि ये सच कहीं ना कहीं से लीक होता हुआ नजर आएगा। वेल, सब कुछ बताऊंगा आपको डिटेल के अंदर, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहाँ पर पहुंचाता रहता हूँ। अब देखो, आने वाले एपिसोड में सबसे पहले तो इस सगाई के माहौल के अंदर जो है मराठी और गुजराती कल्चर का जो टकराव चल रहा है वो आपको पक्का देखने को मिलेगा। अब यहां पर रजत और सभी दोनों ही जो है अपने अपने मुंह सुझाकर बैठे होंगे और इसी मोमेंट पर एंट्री होने वाली है यहां पर शान की। जी हाँ दोस्तों, शान किस तरीके से एंट्री लेने वाले हैं हम सभी को पता, और यहां पर उनकी मौसीकी जब छाने वाली है तो यहां पर माहौल काफी कमाल होगा और सभी लोग यहां पर हंसते हुए गुनगुनाते हुए नाचते कूदते हुए आपको नजर आने वाले हैं। अब यहां पर रीजन सीरियल के मेकर्स देने वाले हैं कि शान ने भी अपने करियर की शुरुआत कुछ उसी जगह से की है जहां पर उनकी सगाई हो रही है। ऐसे में यहां पर शान अच्छा खासा माहौल बनाकर जाएंगे और ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है सगाई सक्सेसफुल हो जाएगी। हाँ, वो बात अलग है, दोनों अंगूठी लाना भूल जाएंगे। अब इसमें भी जो है यहाँ पर सभी जो है एक बहुत बड़ा काम कर देंगे ठक्कर फैमिली के लिए, कि उनका जो गुस्सा है वो छू मंतर हो जाएगा, क्योंकि इस मोमेंट पर जो है यहाँ पर सही को भी वो लेकर आ जाएगी और यहाँ पर परी आंटी के कहने पर सही तो आएगी आएगी और यहाँ पर पूरी तरीके से सभी का परिवार और भोसले परिवार और ठक्कर परिवार पूरी तरीके से खुश हो जाएंगे कि अब तो सही भी यहाँ पर आ गई है और उसी के सामने ये सारी चीजें हो रही है। अब यहां पर सही को लाकर जो है उन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यहां पर बड़े लोग तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे। अब यहां पर जब आशिका सगाई वगाई के सारी चीजों के बाद जब उन्हें लेने आने वाली है तो यहां पर अब परी आंटी और टीचर टीचर नहीं रही है, परी आंटी नहीं रही है, अब वो मम्मी बन चुकी है, वो मां बन चुकी है। ऐसे में यहां पर जो सही है छोटी, वो सभी को परी आंटी ना कहते हुए मां कहकर पुकारने वाली है, मम्मी कहकर पुकारने वाली है और ये आशिका के लिए होने वाला है 440 वोल्ट का झटका। अब आशिका को लगेगा कि यहां पर मैं इतने दिन से कोशिशें की जा रही हूं, उसको गेम जोन में ले जाए जा रही हूं, टॉयज दिलाए जा रही हूं, कलरफुल कमरा मैंने इसको दिया है, घर में बच्चों की पार्टियां हो रही है, किलकारियां गूंज रही है, उसके बाद इसने मुझे आज तक मां नहीं कहकर बुलाया और परी आंटी को मां बुला रही है। ये यहां पर आशिका के लिए बड़ी हार होने वाली है। अब यहां पर आशिका को शक जाएगा, यार ये सभी को आई क्यों बुला रही है, मां क्यों बुला रही है, और यहां पर शक यहां पर उसका ताजा हो जाएगा तो सभी बात को संभालते हुए नजर आएगी कि बेटा मैं आपकी मां नहीं हूं, मैं आपकी परी आंटी ही हूं। और यहां पर सभी को कैसे भी कर वो लोग कंट्रोल में लेने वाले हैं, लेकिन यहां पर शक तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहां पर इसके बाद काफी सारी परंपराएं और भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सगाई के अंदर जो है ट्विस्ट कई सारे हैं, काफी सारे खुशनुमा मोमेंट आपके लिए। अब देखो, सिंगर शान आ रहे हैं, इससे बड़ी बात भला क्या हो सकती है। लेकिन इससे एक और खुशी की बात यह है कि अमन के जितने फैन है ना वो भी खुश होने वाले हैं, क्योंकि इस शादी के अंदर, इस सगाई के अंदर अमन का भी रिटर्न हो जाएगा। यहां पर अमन को जेल से निकाल कर जो है वो आ जाएगा अमन, और यहां पर जब सगाई के दिन अमन पहुंचने वाला है तो रजत का भाई लौट कर आ जाएगा, तो रजत के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अब अमन लौट कर आएगा तो सभी को लगेगा कि आखिरकार ये क्या हुआ है। यहां पर भोसले परिवार और ठक्कर परिवार के बीच एक और मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर पता चलने वाला है कि अमन जो है वो बेगुनाह है, वीडियो किसी और ने वायरल किया था और ये बात सच साबित हो गई है, इसीलिए पुलिस ने उसे खुद छोड़ दिया। हालांकि ये सारे काम जो है वो रजत के भाई लकी ने ही किए हैं, उसको जेल तक पहुंचाना, वीडियो वायरल करना, उसके बाद जेल से निकालना, ये सारे काम लकी ने किए हैं, लेकिन यहां पर किसी और को नहीं पता होगा। सभी को लगेगा ये नॉर्मली सारी चीजें हो रही है और अपने आप हो रही है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का कमाल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें लकी करने वाला है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि रजत का राइट हैंड भाई, जिगरी दोस्त अमन वापस आ चुका है, तो माहौल तो वो भी बनाने वाला है, नाचने तो वो भी वाला है, क्योंकि उससे ज्यादा जो इंतजार है रजत की शादी का वो तो किसी को था ही नहीं।
तो ऐसे में आने वाला एपिसोड वाकई में कमाल के होने वाला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक्साइटेड हो या नहीं हो, क्योंकि यार आप लोग जो है यहाँ पर स्टोरी को लेकर तो काफी सारे कमेंट करते हैं और बहुत लोग रोस्ट भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि आप वाकई में सीरियल पसंद कर रहे हैं नापसंद कर रहे हैं। बड़े मिक्स से कमेंट आ रहे हैं, तो आज कमेंट सेक्शन में डिसाइड हो जाए, देख रहे हो या नहीं देख रहे, दो वर्ड में कमेंट कर देना, देख रहे हैं नहीं देख रहे, दो वर्ड ओनली। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।